धन्यवाद इस महोदय, आपने मुझे इस बड़े संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, 239A चूंकि सारा का सारा जो इसके ऊपर स्ट्रेस है माननीय एलजी महोदय के चिट्ठी में कि आप संवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल 239AA ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं सीधे आपको ले चलूंगा इसके सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में, जो बकायदा कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट और इन द कंकरेंट लिस्ट इन सो फार एज एनी सच मैटर इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू एंट्रीज 1, 2, and 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड एंट्री 64, 65, and 66 ऑफ दैट लिस्ट इन सो फार एज दे रिलेट टू द सेट एंट्रीज ऑफ 1, 2, and 18। इस महोदय, मैं आपको फिर ले चलूंगा आर्टिकल 239AA का जो क्लॉज 6 है, दैट सेज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें कहीं नहीं कहा कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट टू एलजी। It categorically states that will be collect, shall we, it doesn't say may also, it says shall we collectively responsible to legislative assembly. It nowhere says LG. Rakshmore, jo samvidhan aur samvidhan ki shuruaat mein jo baat kahi gayi, samvidhan ki shuruaat kaise hoti hai? We the people of India. To samvidhan kiske liye hai? We the people of India के साथ संविधान की शुरुआत, और वो संविधान कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी एलजी के प्रति नहीं है, इट इज टू लेजिस्लेटिव असेंबली। अध्यक्ष महोदय, पिछला बजट 43,000 करोड़ का था और जो एलजी साहब के हाउस जो हाउस है, स्टाफ्स है, एलजी साहब हैं, उसका उनके रिन्यूमरेशन का और जो खर्चा होता है वो पूरा इतना बड़ा महल चलता है, वो सबका खर्चा इस असेंबली ही बजट करती है। अरे महोदय, इतना जो संविधान है, संविधान के बाद कानून है, जीएनसीटीडी एक्ट 1991 है, उसके बाद रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, ये सब का क्या, ये सब क्यों मना? एट द हेम ऑफ द अफेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नेंस ऑफ दिल्ली सो दैट वी कैन डू एवरीथिंग विच वुड इंश्योर that actualization of the rights of the people of Delhi take place. Raksh Mohde, jab main isko padh raha tha chithiyon ko, to usme laga ki ye chitthi likhne ka karan kya hai? Pehle agar aapko, Raksh Mohde, main aapko le chalun, hamari pehli sarkar jab bani thi, aapke madhyam se sadan ka bhi dhyan aakarshit karna chahta hu, jab pehli bar sarkar bani तो जो हमने दिल्ली वासियों को वादा किया था कि करप्ट और करप्शन दोनों का खात्मा करेंगे, जब सरकार ने शीला दीक्षित जी जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जब सेंट्रल मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जब नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस देश के अंदर जिनको किसी को छूने की ताकत नहीं है, अंबानी के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज किया, तो ये सब हाहाकार मच गया देश के अंदर कि जी ये हो क्या रहा है, ये कौन से लोग आ गए, ये क्या करेंगे। इनको लगा था कि जब हमको पावर मिलेगा तो हम भी इनके जैसे कंप्रोमाइज करके बैठ जाएंगे, हम भी उस गोरख धंधे में लग जाएंगे जिनमें ये लगे हुए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंटी करप्शन ब्रांच का ऐसा सदुपयोग जो पहली बार की सरकार ने करके दिखाया, जो दिल्ली के अंदर एक डर और एंटी करप्शन का जो माहौल दिल्ली के अंदर पैदा हुआ, ऐसा कहा जाता है कि कई एसएचओज ने लिख करके दे दिया कि जी मुझे एसएचओ नहीं बने रहना,
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब भी कोई घूस मांगे, जब भी कोई ब्राइब मांगे तो मना मत करना, रिकॉर्ड कर लेना। अब ऐसे माहौल में आज भी दिल्लीवासी याद करते हैं कि वो जो माहौल था जब दिल्ली के अंदर पुलिस और एमसीडी थर थर कांपती थी कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, कब पकड़े जाओगे, और डीसीपीज उस वक्त के जो थे उन्होंने बुला के बोला था सबको कि भैया पकड़े गए तो मेरे पास मत आना, कोई प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं। अब वैसे माहौल से निकल के आए तो जैसे ही इनकी सरकार बनी तो सबसे पहला काम क्या किया, एंटी करप्शन ब्रांच जो दिल्ली सरकार के पास थी, जिसके जरिए दिल्ली के अंदर एक भ्रष्टाचार रहित माहौल पैदा किया गया, उसको छीन लिया। कहानी जी ये कानून आपके पास नहीं है, ये भी एसीबी अमाउंट टू बी अ पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन आपके पास हो नहीं सकता बिकॉज कानून आपको ये दर्जा देता नहीं है। अब इन्होंने हर हथकंडे अपनाए जो कि हमें अपने काम करने में वीक कर सकता है, जो हमारी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है, जो हमारी अकाउंटेबिलिटी उन उद्देश्यों के प्रति है जो कि हम, जिसका मनीष जी ने उसको कहा इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, वो काम ना हो पाए। महोदय जब इन्होंने छीन लिया हमसे एसीबी, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी सर्विसेज भी आपके पास नहीं है, मतलब वो ट्रांसफर सस्पेंशन टर्मिनेशन अकाउंटेबिलिटी अधिकारियों की हम तय नहीं कर सकते। अच्छा जी बिल्कुल सही कहे, तो जो एक्सक्लूजन लिस्ट है, जैसा अखिलेश ने कहा जो एक्सक्लूजन लिस्ट है संविधान के अंदर दिया हुआ, उसमें सर्विस नहीं आता। अब ये करना क्या चाहते हैं, पूरे चिट्ठी पढ़कर के देख पाते मुझे क्या लगा, ये चाहते हैं कि भैया एसीबी छीना ये ना माने, सर्विसेज हमने छीना ये ना माने, अभी इन्होंने कमिटीज बना दी। ये चाह रहे हैं कि भाई एन केन प्राकरेन इन सबको गुप्त और गुप्ता, और जिस तरह से गुप्त लिख करके वो रिलीज कर देते हैं, मजाक बना दिया आपके ऑफिस का। अध्यक्ष महोदय ये चाहते हैं कि किसी ना किसी कारण से इनको रोको, लेकिन रुकते नहीं। पहली बार मैं देख रहा था संविधान, पहली बार ऐसा एक माहौल देश के अंदर पैदा हुआ जिसमें रूलिंग पार्टी के विधायक रूलिंग पार्टी के सरकार को अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं, पहली बार ऐसा हुआ। अक्सर होता है कि अपोजिशन चाहता है कि भाई तुम्हारे अधिकारी काम नहीं कर रहे, लेकिन जैसा सौरभ ने पिछले अपने भाषण में कहा था भाई गाड़ी हमारी ड्राइवर इनका, अभी चाहते हैं कि भाई ड्राइवर तो हमने इसे छीन लिया, ड्राइवर कंट्रोल करने की ताकत तो छीन ली, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे, इन्होंने कमिटी बना दी। अब उस कमिटी के सहारे जो हमने दिल्ली वासियों को वादा किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोस के अंदर, उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कौन सी हानि है, इसमें कौन सी आपत्ति है? आप कहते हो कि दिल्ली के हेड हम हैं, अरे अगर दिल्ली के हेड हो तो दिल्ली और दिल्ली वासियों का भला तो करो। हमने कमिटियों के माध्यम से मांग क्या लिया इनसे, हमने यही कहा ना कि नालों की सफाई करो, दिल्ली में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। आज सवेरे सवेरे मंत्री जी पहुंच गए मेरे मालवीय नगर के अस्पताल के अंदर 8 बजे, 8:30 पहुंच गए, किसके लिए पहुंचे, जनता के लिए पहुंचे, पता करने पहुंचे भैया जो हमने 8 से 2 किया, जो 2 घंटे समय बढ़ाया है उसका कितना फायदा पहुंच रहा है। तो जैन साहब जब पहुंचे वो जनता कह रही कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये संभावना से परे है कि एक सिटिंग मिनिस्टर कल कानून बना और आज उसका कंप्लायंस देखने पहुंच गया, ये इतिहास है। यही तो उनको डराता है। क्यों डराता है कि भाई अगर इतने इतने सारे काम यही कर लेंगे तो 2 बातें सिद्ध होंगी उससे। आज तक 67 साल तक इन लोगों ने बेवकूफ बना के रखा हमें, ऐसे कई हमारे जितने साथी बैठे हैं इन सबके पास ऐसे अनुभव होंगे कि काम 40 साल पुराना था नहीं हो रहा था, 20 साल पुराना था नहीं हो रहा था, हमारे विधायकों ने एक फोन किया, 2 बार मीटिंग करी, थोड़ा दिखाया अपना दम, काम हो गया। अब ये इनको घबरा रहा, ये इनको इनकी नींद उड़ा रहा। अध्यक्ष महोदय
इनकी दुश्मनी है क्या? इनकी दुश्मनी यह है कि ये जो न्यू सेट ऑफ पीपल आए, जिनका उद्देश्य है कि भाई भगत सिंह जी का वो सपना जिसके अंदर भारतवर्ष के अंदर, वो सपना गांधी जी का जिसके अंदर भारतवर्ष के अंदर पंक्ति में अंतिम आदमी का सपना भी पूरा हो सके, जो ये सरकार ये विधायक काम कर रहे हैं, अगर ये हो गया तो इनका क्या होगा? कंक्लूड करिए सोमनाथ जी, कंक्लूड करिए प्लीज। मुझे याद है चूंकि इसी सदन ने मुझे एक कमेटी बना के स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बनी थी टू इन्वेस्टिगेट एलिजेड इलीगल रिस्टोरेशन ऑफ कैंसिल्ड लाइसेंस ऑफ राशन शॉप इन बुराड़ी। बुराड़ी के अंदर राशन कार्ड राशन शॉप के अंदर जो धांधलेबाजी चल रही थी, उस धांधलेबाजी को मेरे साथी संजीव झा ने पकड़ा और अधिकारियों ने बकायदा कानूनन कानून का पालन करते हुए उसका लाइसेंस कैंसिल किया। फिर क्या हुआ? वो कैंसिल करने के बाद वो भ्रष्टाचारी कहां पहुंचा? वो सीएम के पास ना आया, वो एमएलए के पास ना गया, वो गया तो एलजी साहब के पास गया कि जी हाय तौबा, हमारा कैंसिल कर दिया, हम तो पहुंचा रहे थे चंगा वाला, भाजपा के लोगों को पैसे पहुंचा रहे थे, हमारा कैंसिल कर दिया, बचा लो। तो एलजी साहब ने कहा कुछ चिंता ना करो, बैठो आराम से, कर देंगे सारा काम। तो एक ऐसे कानून के अध्यक्ष महोदय, एलजी साहब ने ऐसे कानून का हवाला दिया, दिल्ली स्पेसिफाइड आर्टिकल्स रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 1981, जो रिपील हो चुका, जो खत्म हो चुका, एक रिपील्ड कानून के अंतर्गत एक अपील का प्रोविजन बना करके उसके राइट को रिस्टोर कर दिया, उसके दुकान को रिस्टोर कर दिया। और हमें कहा, जब हमने इंक्वायरी कमेटी के अंदर बात कही तो हमें बताया गया, एलजी महोदय ने चिट्ठी लिख के बताया कि हमने जो किया है वो कानूनन किया है। फिर हमने एलजी महोदय कहा है कि आप डिस्क्रिशन तो तभी इंजॉय कर सकते हो ना जब हो, जब कानून ही नहीं है कि आपके पास ये राइट है, जब अपील सुनने का आपके पास अधिकार ही नहीं है, तो आपने अपील सुनी कैसे? सुनते वक्त आप डिस्क्रिशन इंजॉय कर सकते हैं जो सेक्शन 41 कहता है, लेकिन आपके पास फाइल पहुंची नहीं सकती। पहुंची कैसे आपके पास फाइल? जिस कानून का हवाला आप दे रहे हैं वो आपके पास ये अधिकार देता ही नहीं है, वो रिपील हो चुका, खत्म हो चुका। अध्यक्ष महोदय, तो हमने जो चिट्ठी लिखी उसके बाद उसके अंदर सोमनाथ जी, बहुत लंबा विषय हो रहा है, ये बहुत ही जरूरी है अध्यक्ष महोदय। 19 जुलाई 2017 को हमने एक चिट्ठी लिखी, कहा कि जिस कानून का हवाला दे रहे हो वो तो कब का खत्म हो चुका, और ये दो बार उसके बदले नया कानून आ चुका, जो आज के तारीख में अध्यक्ष महोदय जब ये इन्होंने फैसला लिया, उस वक्त कानून जो इन्फोर्स था वो था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल ऑर्डर 2015 विच वॉज नोटिफाइड इन मार्च 2015। तो जब नया कानून आ गया, नया कानून में आपको प्रावधान नहीं सुनने का, तो आपने सुना ही क्यों? डिस्कशन तो बाद में आता है। तो आप भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए तो मरे हुए कानून रिपील्ड कानून को भी पैदा करके कुछ ना कुछ उनको फायदा पहुंचाओगे, और जो कानून अभी जिंदा है जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं उसको आप कह दे कि मार दो। ये बड़ा एक ऐसा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। कंक्लूड करिए प्लीज। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। नहीं, आप कंक्लूड कर दीजिए, इतना लंबा नहीं, कंक्लूड करिए। अरे इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जो हमने जैसे ही सोमनाथ जी लंबा हो जाएगा, प्लीज अब कंक्लूड। जैसे ही हमने एलजी महोदय को चिट्ठी लिखा और लगा एलजी महोदय को कि भैया ये तो एलजी तक को दायरे में लाने की हिम्मत रखते हैं ये लोग, ये जो नए नवेले एमएलए बने हैं जिनके अरमान भगत सिंह वाले हैं, ये तो एलजी तक को ना छोड़ेंगे, तो इनको अब डर समाया है कि भाई कमिटीज बना करके जिस तरह से आप उत्तरदायित्व फिक्स करने की प्रयत्न कर रहे हो इनका अधिकारियों का, ये हमारा भी करेंगे। इस चक्कर में ये जो कानून, मैं फिर से रिकॉर्ड में कहना चाहता हूं, जो कानून मर गया उसके अंतर्गत आपने ड्यूली लेजिटिमेट तरीके से कैंसिल्ड राशन कार्ड का लाइसेंस को रिस्टोर कर दिया, और जो हमारे पास कानून है उसके अंतर्गत कमेटियां बनी,
उस कमेटियों को आप कहने कि आप इलीगल हो गया, विषय हो गया पूरा। लास्ट अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी कहानी अध्यक्ष महोदय की, ये चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे पहले। एक चक्रवर्ती सम्राट मरा, उसको लगा मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं, स्वर्ग में जाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या जगह मिलेगी। वो पहुंचा तो वहां पे गार्ड को बोला भाई मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं, मुझे ढंग का जगह दो। तो बोला भाई आप उधर चलो। कहा ऐसा कहा जाता है कि यहां पे नाम लिखना पड़ता है कहीं, वो जगह बताओ कहां नाम लिखना है मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनने का। बोला जाओ वहां पत्थर पड़े, पत्थर पे गया तो देखा सारा भरा हुआ है। कहा भाई यहां तो सारा भरा हुआ है। तो कहा तुम्हें क्या लगता है तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट हो, यहां बहुत आए बहुत गए, और का दो चार के नाम मिटा लो, अपना नाम लिख लो वहां पे। तो कहा नाम मिटाते भी हो? कहा नाम मिटाते भी हैं। तो ये कोई ना समझे, ये जनता है चक्रवर्ती सम्राटों को खत्म करके भेड़ा गर्क भी करती है, ठीक है। दिल्ली साहब समझे, दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता किसी को ना छोड़ेगी। दिल्ली की जनता ये चाहते हो, सब देख रही है कि किस तरह से आप हमें काम नहीं करने दे रहे हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, धन्यवाद सोमनाथ जी, धन्यवाद प्लीज, कृपया करके इस सरकार को, हमारे विधायकों को काम करने दें, और आपके पास भी कोई सलाह हो कि कोई और काम अच्छा कर सकते तो वो भी दे दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।